नमस्कार, आप देख रहे हैं नुक्कड़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ चंद्र ओझा। इस वक्त रायसिंहगढ़ की खबर। रायसिंहगढ़ प्रशासन ने धार्मिक आयोजनों की सुरक्षा को देखते हुए सामाजिक व धार्मिक संगठनों के लोग रहे मौजूद। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया नुक्कड़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। रायसिंहगढ़ प्रशासन ने धार्मिक आयोजनों की सुरक्षा को देखते हुए सामाजिक व धार्मिक संगठनों के लोगों की एक बैठक बुलाई। रायसिंहगढ़ में रामनवमी, अंबेडकर जयंती व हनुमान जयंती को लेकर उपखंड अधिकारी अर्पिता सोनी ने पुलिस थाना में रखी बैठक। बैठक में DYSP अनु बिश्नोई व थाना अधिकारी गणेश बिश्नोई रहे मौजूद। सामाजिक व धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों ने लिया बैठक में हिस्सा। उपखंड अधिकारी अर्पिता सोनी द्वारा राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना को लेकर दिया गया आवश्यक दिशा निर्देश। वो कहा गया कि गाइडलाइन की करनी होगी पालना। DYSP अनु बिश्नोई ने कहा कि धार्मिक आयोजनों के दौरान शरारती तत्वों पर रहेगी कड़ी नजर, शांति व्यवस्था के लिए पुलिस जाप्ता रहेगा तैनात। आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार CLG की बैठक आयोजित की गई है शांति समिति की, जिसमें आने वाले त्योहारों के दृष्टिगत रामनवमी, अंबेडकर जयंती और हनुमान जयंती आदि प्रोग्रामों के मद्देनज़र शांति व्यवस्था कायम रह सके और सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ रह सके, इस उद्देश्य हेतु मीटिंग आयोजित की गई थी। तो क्या इसमें निष्कर्ष निकला? कैसे निष्कर्ष थे? अभी तक ऐसा कोई फीडबैक नहीं आ रहा है रायसिंहनगर में कि किसी प्रकार का माहौल वगैरह बिगड़ने का। फिर भी जो गृह विभाग के लेटेस्ट निर्देश है उनके अनुरूप जो अनुमति के नए फॉर्मेट्स हैं उसके अनुरूप पूर्ण गाइडलाइन के साथ में अनुमति दी जाएगी। अब दूसरी बड़ी खबर रामगढ़ से आ रही है। रामगढ़ में शनिवार को दोपहर 12 बजे रामगढ़ थाना परिसर में पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम व जिला कलेक्टर नन्नूराम पहाड़िया की देखरेख में CLG की शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में रामगढ़ खंड अधिकारी कैलाश चंद शर्मा, नायब तहसीलदार घमंडी लाल मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता सिंह, थाना प्रभारी रामनिवास मीणा सहित आसपास के क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि व ग्रामीण व CLG के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में जिला कलेक्टर नन्नूराम पहाड़िया वे पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के द्वारा कस्बा सहित आसपास के क्षेत्र में आपसी भाईचारा एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील करते हुए सर्वधर्म समभाव की भावना भी हमारी मूल संस्कृति है इस बारे में बताया। आगामी आने वाले सभी उत्सव पर निकलने वाली रैली जुलूस व प्रशासन के द्वारा निगरानी रखने के लिए भी कहा गया। प्रशासन के द्वारा शरारती तत्वों से निपटने में आमजन से पुलिस को सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने वालों की पहचान कर पुलिस को सूचित करने के लिए कहा। बैठक में क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिसमें रेलवे फाटक पर प्रतिदिन लगने वाले जाम को लेकर मुकेश सोनी व्यापारी के द्वारा भी एक मुद्दा उठाया गया। बैठक में रामगढ़ पूर्व सरपंच एडवोकेट देवेंद्र दत्त, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष राम जी लाल जैन, बाबूलाल मित्तल, रामगढ़ समाजसेवी जवाहरलाल तनेजा, गौरव सोनी, रामलाल मीणा, पूर्व सरपंच नवप्रीत सिंह, भीमसेन जिला अध्यक्ष नवल सिंह, एडवोकेट मोहन साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि व्यापारीगण मौजूद रहे।